हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं ग्वार की फली की सब्ज़ी। तो इसके लिए मैंने ग्वार की फली ली थी और उसको मैंने धोकर साफ़ करके कुकर में एक सीटी आने तक उसको मैंने उबाल लिया है। तो एक सीटी से ज़्यादा ना लगाएं, नहीं तो वो एकदम हलवा हो जाएगी। और उसके बाद इस तरह से उसके किनारे हमें निकाल लेने हैं ताकि जो खाने में ये आसानी रहे, और ये जो किनारे हैं ये उबालने के बाद आसानी से ये निकल जाते हैं। तो इस तरह से इनके किनारों में जो ये बाल बाल रहते हैं, जो कड़ा हिस्सा रहता है, इसे हमें निकाल देना है। और इस तरह से हम अपनी सारी फलियों को साफ़ कर लेंगे और उबालने के बाद इन्हें निकालना और भी आसान हो जाता है। तो चलिए देखिए अब हम इसे कैसे बनाते हैं। तो फली साफ़ करने के बाद हमने प्याज लिया है, जिसे हम ज़्यादा बारीक नहीं काटेंगे, नॉर्मल आप काट लीजिए, उसको चॉप कर लीजिए। और उसके बाद एक पैन लीजिए और पैन में हमने लगभग 2 चम्मच यहाँ पर तेल डाला है, 2 बड़े चम्मच। और उसके बाद हमने आधी चम्मच यहाँ पर डाली है मेथी दाना, इसे हम मेथी में बनाते हैं। और मैंने 2 मीडियम प्याज ली है लगभग, और इसको कि मैंने चॉप कर लिया है, मैंने मोटा मोटा ही चॉप किया है, ज़्यादा बारीक चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। साथ ही इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी हरी मिर्च, मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्ची ली है। और आप चाहे तो हरी मिर्ची को स्किप भी कर सकते हैं अगर बच्चे खाते हैं और उन्हें पसंद नहीं है तो, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें तो डाल भी सकते हैं। इसके बाद हम प्याज को अच्छे से भून लेंगे, और ज़्यादा हम इसको ब्राउन नहीं करेंगे। जैसे ही हमारी प्याज हल्की सी पिंक हो जाएगी, इसमें हम ये फली डाल देंगे, क्योंकि फली डालने के बाद भी हमें इसे भूनना है तो तब भी प्याज इसके साथ ही भून जाएगी। तो हम पहले से प्याज को ब्राउन नहीं करेंगे। इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जैसे मैंने इसमें 1/2 चम्मच हल्दी डाल दी है, और 1/2 चम्मच के लगभग ही मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी। अब 1 चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, अगर धनिया घर का पिसा हुआ हो तो अच्छा है, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 1/2 चम्मच के लगभग मैंने इसमें नमक डाल दिया है, बाकी नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। और उसके बाद मैंने 1/2 चम्मच के लगभग ही यहाँ पर अमचूर पाउडर का भी यूज़ किया है, क्योंकि हम इसमें टमाटर या कोई और खट्टी चीज़ नहीं डाल रहे हैं, इसलिए हम इसके अंदर अमचूर पाउडर डाल देंगे। और अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद लगभग 4 से 5 मिनट तक हमें इसे मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा चलाना है, ताकि जो ऑयल है वो इसका साइड से रिलीज़ हो जाए और जो हमारी फली है वो अच्छे से पक जाए। अगर हम इसको चलाएंगे नहीं तो ये जो फली है वो टेस्टी नहीं बनेगी। तो इसे हमने अच्छे से चला लिया है, देखिए, और अब ऑयल भी साइड से हल्का सा रिलीज़ भी हो गया है और फली भी अच्छे से भुन गई है। तो हमारा मेन मोटो है कि इसको हम अच्छे से भून दें। इसके बाद मैंने इसमें 1/2 चम्मच के लगभग चाट मसाला डाला है, और 1/2 चम्मच ही मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और सब्ज़ी वैसे हमारी तैयार है क्योंकि हमने इसको पहले ही अच्छे से भून लिया है। तो याद रखिए कि कम से कम 5 से 10 मिनट तक आपको इसे अच्छे से भून लेना है, ताकि जो इसका टेस्ट है वो तभी आएगा जब आप इसे अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। तो इस सब्ज़ी को आप बनाकर देखिए, ये बहुत फटाफट बन जाती है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहें।